हाय गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पेपर तोरण बनाना सिखाऊंगी, जो आप लड्डू गोपाल जी के मंदिर के डेकोरेशन के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में नवरात्रि, दिवाली, सभी फेस्टिवल्स के लिए आप इस तोरण को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर का पेपर ले लिया है एंड उस पेपर पर हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ करनी है। इस ग्रीन पेपर को मैं यहाँ पर 5 स्ट्रिप्स में कट करूँगी। ये तोरण बनाने में बहुत ही सुंदर लगेगी बनाने के बाद, और बहुत ही इजी भी है बनाने में, और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा पेपर नहीं लगेगा। बहुत ही कम पेपर में आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लाइंस तो ड्रॉ कर ही ली हैं। अब मैं सीज़र की हेल्प से इनको कट कर लेती हूँ। तो चलिए कट करते हैं। मैंने पहले भी एक पेपर तोरण का वीडियो दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन पेपर ले लिया है और एक रफ़ पेपर पे ऑलरेडी ड्रॉ करके मैंने लीफ को कट कर लिया था, जो मैं इस ग्रीन पेपर के ऊपर यहाँ पर ट्रेस करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से हम ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद हम इनको कट भी कर लेंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये पेपर तोरण हम पूरी लीफ और फ्लावर के कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, तो जब भी आप अपने डोर्स पे इसको लगाएंगे या फिर अपने मंदिर पे लगाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देगा ये। अब देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सारी लीव्स जो हैं ग्रीन पेपर पे ट्रेस करके कट कर ली हैं। इन सभी का यूज़ करेंगे तोरण के डेकोरेशन में। अब एक फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैं रेड कलर के पेपर को कट करूँगी 3x3 सेंटीमीटर के हिसाब से। तो देखिए, ये मेरा पेपर है, इसको मैंने 3x3 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर कट कर लिया है। सभी फ्लावर्स में आपको इतने ही मेजरमेंट का पेपर लेना है। अब इसको हम 3 बारी ट्राइंगल की शेप में फोल्ड करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर गोलाई में हम एक फिगर को ड्रॉ करेंगे और अब सीज़र से इसको कट कर लेंगे। सीज़र से कट करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे, और वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। आपको एक साइड से कट लगा के इसको पेस्ट करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने 3 कलर्स में फ्लावर्स प्रिपेयर किए हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो। रेड भी 5 है, ऑरेंज भी 5 है और येलो भी 5 है। टोटली 15 फ्लावर्स यहाँ पे हमने प्रिपेयर किए हैं। फ्लावर बनाने में बहुत ही कम पेपर यूज़ होता है, ओनली 3x3 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपको पेपर लेना है। अब ये जो लंबी वाली स्ट्रिप है, इसके ऊपर हम अपने सभी लीव्स और फ्लावर्स को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे फ्लावर्स के कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं जिस हिसाब से दूरी मेंटेन करते हुए इनको पेस्ट कर रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। और इस तरीके के यहाँ पे टोटली मैं 5 जो है लीफ फ्लावर के इस तरीके के स्ट्रिप्स रेडी करूँगी, जिनका हम यूज़ करेंगे फॉर द डेकोरेशन। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 स्ट्रिप्स प्रिपेयर किए हैं। आप यहाँ पे 7-9 अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं प्रिपेयर। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के पेपर की एक इस तरीके की स्ट्रिप कट कर ली थी, जिसे हम बेस के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमने वूल भी लगा ली है, सो दैट हम इसे डोर या वॉल पे लगा पाएँ। अब वही 5 स्ट्रिप्स ले लेते हैं जो प्रिपेयर की थी, और इनको एक के बाद एक इसके ऊपर लगा देते हैं, इक्वली गैप मेंटेन करते हुए। तो सबसे पहले सेंटर वाली लगाएंगे, फिर दोनों साइड्स वाली लगा देंगे एकदम कॉर्नर वाली, और उसके बाद दो दो स्ट्रिप के बीच में एक एक लगा देंगे, तो एकदम इक्वली ये लग जाएंगी। और उसके बाद मेरे पास कुछ स्क्वायर शेप के मिरर्स भी हैं, जो भी मैं इनके ऊपर लगा दूंगी। और इसी के साथ हमारी तोरण भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से मिरर्स लगा देंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।
मेक श्योर इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे।